ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं, कौशल्या जांगिड़। एमपीएल सीजन 2 में रानीवाड़ा विजेता व मेघलवा रहे उप विजेता। 6 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। सायला उपखंड क्षेत्र के मेघलवा कस्बे में चल रही 6 दिवसीय मेघलवा प्रीमियम लीग सीजन 2 का समापन शुक्रवार को तहसीलदार कौशल्या जांगिड़ के मुख्य अतिथि तथा डिस्कॉम के एक्शन गोपाल राम मेघवाल की अध्यक्षता में हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप तहसीलदार चमनलाल, सरपंच केराराम राणा, लालनाथ स्वामी उपस्थित रहे। एमपीएल सीजन 2 में जिले भर की 12 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच मामाजी क्रिकेट क्लब रानीवाड़ा व भैरव 11 मेघलवा के बीच खेला गया, जिसमें मामाजी क्रिकेट क्लब रानीवाड़ा ने मैच जीतकर ट्रॉफी अपने हक में की। अतिथियों द्वारा विजेता व उप विजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कमेटी के सदस्य राकेश जैन ने बताया कि इस एमपीएल सीजन 2 में जिले भर की 12 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में फाइनल मैन ऑफ द मैच रवि नटराज रहे, वही मैन ऑफ द सीरीज नदीम धनुरी रहे। बेस्ट बॉलर का खिताब नदीम को दिया गया। कमेटी के संयोजक एसआर जांगिड़ ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तहसीलदार कौशल्या जांगिड़ ने कहा कि खेल से आपसी मेलजोल बढ़ता है और समाज में भाईचारे का संदेश जाता है। प्रतियोगिता खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए जरूरी है, उन्हें ये अवसर उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा खिलाड़ियों के साथ है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है, भविष्य में भी ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा में निखार है तो इस प्रकार के आयोजन किए जाए तो अच्छा है। खेल मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है जो हम सभी के जीवन को मानसिक व शारीरिक रूप से सशक्त व समृद्ध बनाता है। खिलाड़ियों को खेल के माध्यम से अनुशासन को समझाना होगा, वही उप तहसीलदार चमनलाल ने संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को हमेशा साथ खेलना चाहिए। हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है। खेल में एक पक्ष की जीत तो दूसरे पक्ष की हार तय है। खेल में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ जीवन में खेल का भी अलग ही महत्व है। वही डिस्कॉम के एक्शन गोपाल राम ने कमेटी की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से गांव में खेल के प्रति जागरूकता आएगी। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के खिलाड़ियों का साधुवा किया। तो वही निर्णायक की भूमिका मानक मारवाड़ी राकेश प्रजापत ने निभाई। साथ ही कंपटीटर देवराज सिंह सौकत खां फेसबुक लाइव, टेलीकास्ट हुक्मी राम, लाइव स्कोरिंग नरेश सुतार और सुखदेव ने निभाई। इस मौके पर मंगल सिंह, चंदनमल, गौतम चंद, ठाकुर दंत खत्री, छगन लाल सुथार, अरविंद बाजक, शैलेंद्र सिंह, धीरज गुजर, साहब सिंह मदेरना, महावीर जैन, मुकेश जैन, राकेश जैन, जबराराम परिहार, रजा खान, साबिर खान, नरेश सुथार, बाबूलाल, पूरा राम, ईश्वर इंडियन इत्यादि समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी खिलाड़ी भाइयों बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, समापन समारोह। और खेल एक अपन जीवन का एक अभिन्न अंग है। खेल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हार जीत भी अपने जीवन में होती है, इस तरह से खेल में होती है। खेल में अपन जो लक्ष्य निर्धारित होता है, अपने जीवन में भी लक्ष्य होता है, होना चाहिए लक्ष्य। ₹70,000 और ट्रॉफी दी जा रही है। ₹70,000 का चेक। एक बार सबकी माजो पुरस्कार प्राप्त कर रही है। ₹70,000 और ट्रॉफी, जोरदार तालियां। नदी भूमि, जोरदार तालियां उनके लिए। पीरियड में मतलब वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ राजस्थान। बाकी यहाँ की जो मैनेजमेंट है मुझे बहुत प्रभावित किया, और जब भी भविष्य में ये टूर्नामेंट करवाएंगे मैं उनसे यहाँ खेलने जरूर आऊंगा। मुझे सवाल कि आप इस साल जीत रहे थे और लग रहा था शुरुआत से ही आप मैच में पकड़ बनाए हुए थे और अंत में राजीव प्लेट ने आपके जबरे से जीत छीन ली। कभी लगा नहीं कि आप हार जाएंगे, लेकिन फाइनल हार गए और जीतते जीतते हारे। तो इस हार पर आप निराश होंगे या फिर सब निराश तो नहीं होंगे। खेल हार जीत होती रहती है,
बट अगेन टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही और हमारे जो बैट्समैन थे उनकी वजह से हमारा स्कोर लंबा नहीं गया। बट कोई नहीं, थोड़ी हमारी मिस फील्डिंग और बॉलिंग खराब रही, उसकी वजह से हमें ये हार का सामना करना पड़ा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे जीत चलेंगे। और ये नन्ना सरकारी जो से भ्रम रखता है और पॉलिटिक्स में है, ये अच्छी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद।